वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएस इंटेंस। तो स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि है नरलक इम्प्रेशन HD। ये जो प्रीमियम और ये लग्जरी पेंट इसको बोलते हैं, ये लग्जरी और प्रीमियम पेंट में आता है। और जो भी भाई अपने चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, वीडियो लास्ट तक देखना और एंजॉय करना। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी डिसएडवांटेजेस तो कुछ है नहीं, एडवांटेजेस ही हैं इसकी। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है इसका कवरिंग एरिया। जिसका कवरिंग एरिया है वो है 21 स्क्वायर मीटर से लेके 23 स्क्वायर मीटर तक का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग है, उसका कवरिंग एरिया आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, वो आप चेक कर लेना। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसके, जो कि है इसका सरफेस। जो इसका सरफेस है वो आपको ये, जैसे आप यहाँ शाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ भी इम्प्रेशन लगा हुआ है। तो इसका सरफेस है वो सारी बस सरफेस की होती है। सरफेस आपका अच्छा हुआ और स्मूथ हुआ तो आपका पेंट कोई भी लगा लो उस पर, चाहे ब्यूटी स्मूथ है, ब्यूटी गोल्ड है, चाहे वो इम्प्रेशन है, आपका बेस अच्छा होना चाहिए नीचे का, तो वो आपका पेंट लगा हुआ अच्छा लगेगा। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है थिनिंग। जिसकी थिनेबिलिटी है वो होनी चाहिए इसकी 40-50% आफ्टर वाटर। अगर इसके पानी डालने के बाद इसकी मोटाई है पेंट की, उसका मोटापन है जो, वो होना चाहिए इसका 40-50%, जो कि हम इसको बना सकते हैं लगभग 200-250 ml पानी डालने के बाद इसका सरफेस है वो हो जाएगा इसका 40-50% थिनेबल। अगर आपका ज्यादा मतलब कि पतला हुआ पेंट या ज्यादा गाढ़ा हुआ तो आपके सरफेस पे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके मान लो इसके बीच में होना चाहिए, तभी आपके सरफेस पे अच्छा लगेगा। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका ड्राइंग टाइम और रिकोटिंग टाइम। जो इसका ड्राइंग टाइम है वो है इसका 30 मिनट से लेके 1 घंटे का, और जो इसका रिकोटिंग टाइम है वो है 3 घंटों से लेके 4 घंटों का। क्योंकि इसमें इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो इसका ड्राइंग टाइम है वो ये मतलब फर्स्ट कोट लग गया जैसी दीवार पे, ये सूखना शुरू होएगा जैसे अभी बीच का मौसम है ना, ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, तो सर्दियों में जो ये सूखना शुरू होता है वो 30 मिनट से होता है। क्योंकि इसमें शाइनिंग भी होती है और ये आप देख रहे हैं इसका सरफेस भी स्मूथ होता है, इसलिए 30 मिनट के बाद ही सूखना शुरू होता है। और रिकोटिंग की बात करते हैं, तो रिकोटिंग में इसका जैसे फर्स्ट कोट हो गया और सेकंड कोट लगाना है हमें, तो उसमें 3-4 घंटों गैप होना चाहिए, उसी के बाद आपका पेंट लगा हुआ सरफेस के ऊपर अच्छा लगेगा। जिसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका ग्लोसी लेवल। जिसका ग्लोसी लेवल है वो बहुत ही हाई है, जैसे आप देख ही रहे हो इस दीवार पे, यहाँ पे इम्प्रेशन HD लगा हुआ है, जो ये मेरे पास रखा है यही लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी ग्लोसी लेवल आप देख ही रहे होंगे। अगर कोई बाहर से बंदा आएगा मेरे को पूछेगा यार क्या लगा रखा है, मैं कहा इम्प्रेशन लगा रखे भाई, कह रहे थे चमक माँ इम्प्रेशन में भाई चमक है, तो इसलिए चमक दिखेगी आपको कैमरे में, दिख ही रही होगी इसकी ग्लोसी लेवल। तो ग्लोसी लेवल इसका बहुत ही अच्छा है। और अब आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, ये वाशेबल है या नहीं है। तो ये वाशेबल और वाटर प्रूफ बहुत ही हाई उसमें है एवरेज में, आप इसको वॉश कर सकते हो। जैसे आपके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह या कोई भी दाग धब्बा लग गया, तो आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हो, आपका इसके पेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा, आपका पेंट खराब नहीं होगा। तो इस पे जो इसके पीछे इसके लेबल पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है इसका, भी आप इसको वॉश कर सकते हो वो भी अच्छी तरह से। यही नहीं कि भी जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश हो गया वो मार दिया, जैसे पानी गिर के इसके ऊपर या कपड़े के साथ अच्छे से आप इसको साफ कर सकते हो, इसके आपको सरफेस है जो वो खराब नहीं होगा। और अब बात करते हैं इसकी लग्जरीज का और इसका प्रीमियम का, भी कैसे पता लगेगा। अगर आपका सरफेस है जो नीचे, उसके ऊपर आपने पाउडर पुट्टी लगा के और एक्रेलिक पुट्टी लगा के, जिसको लिक्विड पुट्टी बोलते हैं, उसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करके रेगमार के साथ, तो
उसके बाद आपको चार्ज के ऊपर आप ब्यूटी स्मूथ लगा लो, वो भी अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर अगर ये लग्जरी पेंट लगा हुआ है तो बिल्कुल प्लेन अगर आप हाथ लगाओगे ना द्वार के ऊपर, जो जैसे वो रगड़ाई होगी, पाउडर पुट्टी होगी और अक्रैलिक पुट्टी होगी, उसके बाद रगड़ाई होगी आपकी, उसके बाद आप हाथ लगाओगे ना, आपका हाथ बिल्कुल ही स्मूथ नीचे आएगा। कोई ऐसी बात, अगर आप इसके ऊपर पानी भी गेर दोगे ना उसके बाद, तो पानी भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, वो पानी रुकेगा भी नहीं दीवार पे। तो यही थे कुछ इंप्रेशन के एडवांटेजेस जो कि बहुत ही इसको प्रीमियम बनाते हैं, लग्जरी बनाते हैं। तो वीडियो को एंजॉय करना, और जाने से पहले सभी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। राम राम।